जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि 2023 में किस दिन पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। साथ ही हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि वाले दिन हमें शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए जिससे कि हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो। पर उससे पहले, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। भगवान शिव को देवाधिदेव, महादेव, शंकर, नीलकंठ, भोलेनाथ, शिव शंभु, महेश और भोले भंडारी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि तन, मन और पूर्ण श्रद्धा से इनकी पूजा करें, आराधना करें तो ये मन वांछित फल देते हैं। वे अपने भक्तों के दुख और परेशानियों को देख ही नहीं पाते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 18 फरवरी 2023 को रात्रि 8:02 पर होगा। वहीं इसका समापन 19 फरवरी 2023 को शाम के 4:18 पर होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के 4 पहर में करने का विधान है। ऐसे में शिवरात्रि का व्रत और पूजन 18 फरवरी 2023 को किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करके व शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या चीजें चढ़ानी चाहिए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं। इस दिन शिव जी को 3 पत्तों वाला 108 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। शंकर भगवान को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते। धतूरा और गन्ने का रस शिव जी को अर्पित करें, इससे जीवन में सुख पड़ता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे मन की अशांति दूर होती है। शिवरात्रि के दिन सबसे पहले चंदन के लेप से आरंभ कर सभी उपचारों के साथ शिव पूजा करनी चाहिए और साथ ही पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। शिवरात्रि को भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराने के बाद 8 लोटे जल चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही शिव पूजा के बाद गोबर के उपले की अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी की मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इस तरह होम के बाद किसी भी एक साबुत फल की आहुति दे। सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग स्नान के लिए रात्रि के प्रथम पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घृत और चौथे पहर में मधु यानी शहद से स्नान कराना चाहिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति ये व्रत करे, ब्राह्मण को खाना खिलाए व दीप दान करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।